असलकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं किन्नौर की स्पाइसी टिक्का मसाला बना रही हूँ और देखिए कैसे बनाती हूँ। जैसे आपको पता है मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। एक दो जोश के बाद हमारी मैगी बन गई है, मतलब नरम हो गई है हमारी मैगी। आप जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं चेक कर रही हूँ, हमारी मैगी मतलब गल गई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमारी मैगी अलग अलग है, जुड़ी तो नहीं है। इसके बाद इसमें मैं वेजिज डालूँगी, जिसमें है बंद गोभी और प्याज। यही घर में अभी अवेलेबल थी तो मैंने यही डाल दी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैगी में, फिर इसके ऊपर मैं मैगी मसाला डालूँगी। अब मैं मैगी मसाला डाल दिया तो मैं अभी इसी तरह मिक्स करूँगी। मैगी हमारी बन चुकी है, बस अब हम लोग और स्पाइसी करने के लिए ऊपर शंग्रीला सॉस डालेंगे। मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, आप लोग अपने स्पाइस के हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली है। ख़ास करके सर्दियों में ऐसी सूपी और स्पाइसी नूडल्स खाने का बहुत मज़ा आता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी मतलब सर्दियों में सूप और गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, तो आप इस तरह ट्राई कर लें, ये भी मतलब एक डिफरेंट किस्म की डिश बन जाएगी, ये भी मज़े की होती है काफ़ी। इसके साथ आप लोग गार्लिक ब्रेड बना लें। मैगी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको ये मैगी अच्छी लगी तो आप लोग भी बना के मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी आपकी मैगी और मेरी मैगी कैसी बनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्पाइसी मैगी नूडल्स पसंद है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।